देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मेघा। रुख करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। फिलहाल लगातार उद्धव ठाकरे के जो विधायक हैं उनके साथी विधायक उनके साथ छूटते जा रहे हैं। अभी की जो ताजा खबर सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की बैठक में शामिल हुआ एक विधायक अब शिंदे गुट में शामिल हो सकता है। यहां पर बैठकों का दौर महाराष्ट्र में जारी है, बैठकों का दौर गुवाहाटी में जारी है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडराता खतरा और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने बगावती तेवर छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। एकनाथ शिंदे यहां पर साफ साफ कह चुके हैं कि जो भी यहां पर शर्तें उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने रखी हैं, जब तक उन शर्तों को उद्धव ठाकरे नहीं मानेंगे, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में वापसी नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में कल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जब से एकनाथ शिंदे बगावत पर उतरे हैं, साफ साफ नजर आ रहा था कि एनसीपी और कांग्रेस से वो शिवसेना को अलग कर देना चाहते हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ एमवीए गठबंधन का हिस्सा बनकर वो राजनीति नहीं करना चाहते। एकनाथ शिंदे ने अपनी दो टूक बात उद्धव ठाकरे को कह दी थी कि एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकलिए, उसके बाद ही हम आगे की बात कहेंगे। अब एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस से जो मुलाकात हुई है, साफ उससे पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के रास्ते भारतीय जनता पार्टी की तरफ बनाने में लगे हैं। अगर उद्धव ठाकरे इस रास्ते पर चलते हैं तब तो ये सरकार बचेगी, लेकिन अगर वो भाजपा की तरफ रुख नहीं करते हैं तब शिवसेना की ये गठबंधन वाली सरकार गिर जाएगी। अब उद्धव ठाकरे का क्या फैसला है एकनाथ शिंदे की शर्तों के सामने, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको महाराष्ट्र में हुई इस सियासी उठापटक का सबसे सटीक समीकरण समझाने जा रहे हैं। इसे समझिए, देखिए जरा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार का जाना लगभग तय हो चुका है। शिवसेना विधायकों की बैठक का नजारा देखकर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी एहसास हो गया है कि वो कमजोर जमीन पर खड़े हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में हो या बहुमत में, विधानसभा में तय होगा और वहां जब टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि सरकार बहुमत में है। शरद पवार के आत्मविश्वास का आधार क्या है ये बात तो वही जानते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के महज 13 विधायक खड़े हैं। ऐसी सूरत में किस जादू की छड़ी से वो विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे, इस सवाल का जवाब सिर्फ उद्धव ठाकरे जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने कुछ ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उद्धव ठाकरे को अब अगर अपना राजनीतिक भविष्य बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो महाविकास अघाड़ी सरकार का गिरना तय हो चुका है। पार्टी विधायकों की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत एक बड़ा बयान देते हैं और कहते हैं, शिवसेना महाराष्ट्र में एमवीए सरकार से बाहर आने को तैयार है, लेकिन पार्टी के विधायकों को 24 घंटों के भीतर मुंबई लौटना होगा। ये एक तरह से बाकी विधायकों को दाना डालने की कोशिश थी, एनसीपी से अलग हो जाने का विचार था जिसे संजय राउत ने सबके सामने रखा। शिवसेना के इतिहास में पहली बार ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले एकनाथ शिंदे राजनीति के कोई ऐसे अनाड़ी खिलाड़ी तो है नहीं जो इस जाल फेंकने के पीछे का मकसद ना समझे। संजय राउत के बयान का फौरन जवाब दिया एकनाथ शिंदे ने और कह दिया, पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, एमवीए से बाहर निकले, तब आगे की बात होगी। एकनाथ शिंदे साफ तौर से कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, एनसीपी कांग्रेस से अलग होना होगा और नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा। बागी गुट का कहना है, हम उद्धव ठाकरे की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को जो पत्र लिखा उस पर शिवसेना के 35 विधायकों ने हस्ताक्षर किए। अब इन सबके बीच में फिलहाल शिवसेना के करीब 45 विधायक हैं जो ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं। संजय राउत के बयान के बाद
एनसीपी और कांग्रेस में खलबली मच चुकी है। संजय राउत ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि अब उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से और लड़ाई नहीं करेंगे। अपने विधायकों को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे सीधे सीधे एनसीपी और कांग्रेस से अलग हो जाने पर विचार कर रहे हैं। एनसीपी और कांग्रेस से अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जाना उनके पास एक विकल्प बचता है, और अगर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा यहाँ फेरबदल होगा। लेकिन फिलहाल आसार यही हैं कि सरकार बचाने के लिए उद्धव ठाकरे एक बार फिर से भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे।